हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। सो गाइस, आज आप लोग देख सकते हैं, जैसे सुबह सुबह सफवान ने ये सोच रखा था कि हम लोग आज डे ऑफ रखेंगे, कि हम यहाँ कुछ नहीं करेंगी और आप मेरे साथ पिक्चर देखेंगी। सो मैंने कहा आप लोग को भी मैं बता दूं कि आज मैं अपने बेटे के साथ इंजॉय कर रही हूँ KGF। सो गाइस, ये मेरा फेवरेट सीन है यहाँ का एंड ये बहुत ज़्यादा, आई नो कि सबका ही फेवरेट है, मेरा तो ऑलमोस्ट बहुत ज़्यादा फेवरेट है। तो ये देखिए, इनको यहाँ मज़ा आ रहा है। हाँ, आई डोंट नो राइट किधर चले गए हैं, लेट मी सर्च फॉर इट। राइट भी बोल रहे थे मामी मैं भी देखूंगा। बच्चों के साथ टाइम स्पेंड भी करना चाहिए, इट्स टू गुड। इन लोग का टाइम स्पेंड अभी हम लोग अपने साथ नहीं करेंगे तो फिर ये मोबाइल तो हम लोग को वैसे भी बिगाड़ देगा रख के। कैलाश दिखाबो, ऑसम, वाओ। Safwan, let me say hi to the guys. Hi. I don't know where is Raid. Raid told me ki mami main aa raha hu and he is nowhere. राइड कहाँ चले गए हैं? राइड आ जाते हैं तो वो भी हमारे साथ एंजॉय करेंगे। मैगी मेरी बस बन चुकी है और चाय भी बन चुकी है एंड बस इन लोग को देना है मुझे और साथ में एंजॉय करना है। सो गाइस, अब मैं जा रही हूँ एंजॉय करने, मैगी लाती हूँ बेटा, दो मिनट। हाँ जी, तो हम आज बात करेंगे अपनी लिपस्टिक्स की। सो जनरली तो मुझे बहुत ही ज़्यादा फेमस हूँ मैं अपनी रेड लिपस्टिक के लिए, क्योंकि मुझे रेड कलर बहुत पसंद है अपने ऊपर। तो मैं मेकअप लाइट करके सिर्फ रेड लिपस्टिक यूज़ करती हूँ मोस्टली। सो आज हम एक्सपेंसिव लिपस्टिक की बात करेंगे। तो मेरी सबसे एक्सपेंसिव है डियोर, मैक एंड फेंटी एंड देन पैक। मतलब सब कुछ एक्सपेंसिव ही है, मतलब ऐसा ज़रूरी नहीं है जो आपको सूट कर जाए। बट व्हाट आई इन लव विद इन विद लव विद इन मैक सॉरी डियोर वन, दिस इज़ फ्रॉम दुबई एंड माय पैक इज़ फ्रॉम दिल्ली एयरपोर्ट आई वॉन्ट एंड दिस इज़ ऑनलाइन समथिंग एंड और ये सब कुछ मैंने ऑर्डर करा, ये पैक की है मेरी ऑनलाइन ही नायका से, और जनरली मैं मंगा लेती हूँ ये शुगर की, मैंने नायका से उसका डोप मंगाया था। सो इसके स्वचेस मैं अभी आपको दिखाती हूँ। हाँ जी, तो हम लोग की ये पहली है डियोर की, मैंने निकाली है एंड इसका नाम है डियोर एडिक 976 बी डियोर। सो ये देखिए, इसका कलर है पिंक, मतलब ज़्यादा मेरे पास पिंक है नहीं, बट ये देखिए ये ग्लॉसी है बट बहुत ज़्यादा ही प्यारी आती है और ये काफ़ी टाइम तक लॉन्ग लास्टिंग भी है, डियोर है तो ऑब्वियसली तो थोड़ा प्यार करना पड़ता है इसको। फिर हमारी दूसरी है डियोर की ही, पहले हम लोग कर लेते हैं। हमारी दूसरी है ये रेड कलर में है, इसका क्या नाम है, रफ डियोर फॉरएवर 999 फॉरएवर डियोर। सो हमारे यहाँ बच्चे हैं, हम लोग को वीडियो बनाने में बहुत आफत होती है। सो बहुत इज्जत के साथ हम लोग डियोर निकालेंगे। पब्लिक पब्लिक आ गई है एंड दिस इज अमेजिंग, मतलब द फ्रेग्रेंस, आई लव द फ्रेग्रेंस, डोंट टेक मी ओके। आफ्टर दैट माय मोस्ट फेवरेट आई कैन से बट नॉट सो फेवरेट बिकॉज मैं ऑनेस्ट रिव्यू दूंगी, फेंटी ये लगती है पर पूरे मुंह में लग जाती है, इतनी ज़्यादा ये फैलती है। तो मैं थोड़ा फंस गई हूँ उसको लेके, बट द कलर इज आई लव द कलर, सी सो फकिंग मैट, आई लव इट। आई एम सॉरी फॉर द लैंग्वेज बट कहीं नहीं, इतना तो चलता है।
तो दिस इज़ माई मोस्ट फेवरेट मैट वन एंड आफ्टर दैट आई हैव पैक एंड पैक का ये थोड़ा सा इसका टूट गया है इतना ज़्यादा एक्चुअली मैं ये रेगुलर बेसिस पे यूज़ करती हूँ सो ये हो गया एंड दिस इज़ पिंक वन क्योंकि ये मैं रेगुलर यूज़ करती हूँ रेगुलर इन मतलब लाइक एवं कहीं जा रहे हैं ये पर्स में पड़ी हुई है सो लाइट सी लिपस्टिक लगानी है तो हमने ये लगा लिया उसके बाद है ये लैक्मे की रेड है लिक्विड लिप कलर फॉर एवर मैट इसका नाम क्या है रेड कारपेट एंड दिस इज ऑसम रेड कारपेट कलर मतलब इट्स सो सीड्यूसिंग कलर इट्स लवली एंड ये शुगर की है आफ्टर दैट ये पैक का हमारा रेड है ये मैक का सॉरी आई एम सॉरी ये मैक का है पैक मैक ये असल में रखे सारा ना ड्राई हो गया है तो ये हो गया बाकी अपने पास है ये है रेड हॉट कलर है हाँ टोमेटो रेड कलर सो टोमेटो रेड है देख लेते हैं ये देखिए वाओ लुक एट द कलर आई मीन अगर आप इससे और इसको कंपेयर करोगे तो मतलब ये मैंने साथ ही में से मंगाई थी बच्चे हमेशा हम लोग को डिस्टर्ब करते रहते हैं अपने आप में सब आके खड़े हो गए पब्लिक एंड हाँ वन थिंग मैं बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी ये मैंने रेने की मंगाई थी एंड ये मैं अपने पर्स में हमेशा कैरी करती हूँ इसलिए कि क्योंकि मैं हमेशा जल्दबाजी में ही घर से निकलती हूँ सो ये देखिए एंड इसके साथ हमारे काफ़ी सारे शेड्स हैं तो हमें कोई भी मतलब कुछ भी मैंने पहन रखा होता है तो मैं उसको उसके अकॉर्डिंगली अपने आप को कोई भी कलर ले सकती हूँ ये पिंक हो गया ठीक है अच्छा कलर आता है और टिका रहता है ऐसा नहीं कि टिकता नहीं है मस्त टिकता है ये देखिए मस्त मस्त कलर है इसमें तो ये मैं ऑल टाइम कैरी करती हूँ क्योंकि मुझे मैंने बोला ना मैं हमेशा मैं बच्चों वाले घर में हूँ तो हमेशा एकदम से ही निकलना होता है घर के बाहर तो हम कुछ भी मतलब कहीं भी जाते हैं तो ये मेरे पर्स में रहता है एक ये चीज़ मस्त है हमारे पर्स में एंड एक ये चीज़ मस्त है वादी आई मीन पे कोई पेड प्रमोशन नहीं है बट इसका ये टिंट एंड प्लस लिप ग्लॉस लिप बाम इतना अच्छा है इतनी अच्छी फ्रेगनेंस है आइए राय आपको लगवाना है ये ले जाए बच्चों को भी मैं लगा देती हूँ थोड़ा थोड़ा इसकी फ्रेगनेंस इससे स्ट्रॉबेरी फ्लेवर आई लव द फ्रेगनेंस मतलब इतना मज़ा आ जाती है इसको लगा के दिल तो चाहता है खा जाऊँ मैं इसको सो ये मस्ट है लिप्स को काफ़ी ज़्यादा हाइड्रेट रखता है एंड इसी का टेंट है सो मैं इसको यूज़ कर लेती हूँ बाकी यही सब है लिपस्टिक अब मैं सबका करूँगी तो बहुत टाइम हो जाएगा तो ऑलमोस्ट हम लोगों ने सारा कर लिया है तो माई मोस्ट फेवरेट वन इज़ फेंटी आफ्टर डियोर की तो डियोर है ही अच्छी एंड मैक इज़ माई रूबी वो इज़ माई ऑल टाइम फेवरेट ये थोड़ी सी ट्राई हो चुकी क्योंकि मैंने इसको बहुत ज़्यादा यूज़ कर लिया था पर जब से ये मेरी ज़िंदगी में डियोर आ गई तो थोड़ा सा इनको मैंने साइड कर दिया है बट आई होप आप लोग को अच्छा लगेगा बाकी मैं आपको और भी अच्छा अच्छा मेकअप दिखाऊँगी नेक्स्ट ब्लॉग में आई होप आपको ये अच्छा लगे तो अगर अच्छा लगता है तो आप कमेंट्स में बताओ आप नेक्स्ट में क्या देखना चाहोगे या मेकअप ट्यूटोरियल चाहते हो तो मैं आपको मेकअप ट्यूटोरियल भी दे सकती हूँ ओके एंड ओके होप यू लाइक इट सो गाइज आज शाम के स्नैक्स समोसे एंड सम चटनी येलो कलर में हाँ जी गाइस सो आज हम बना रहे हैं चिली चिकन
एंड फ्राइड राइस। सो उसके लिए हम लोगों ने बना, तो मेरी बड़ी अप्पी रही हैं तो उन्होंने लिया है ये सारे इंग्रेडिएंट्स। चिली आप बताओगे कि मैं बताऊँ? मैंने इसमें चिलीज ली है, ये कैप्सिकम है, अनियन है और ये स्प्रिंग अनियन है, थोड़ा सा ऊपर से गार्निश करने के। तो ये आपने इसको फ्राई कर लिया है? हाँ जी, इसमें मैंने ऐड किया है सॉल्ट, चिली और मैदा। हाँ, मैदा, अरारोट कोटिंग के लिए ऊपर से, थोड़ा सा वेनेगर जिससे कि चिकन हमारा टेंडर हो जाता है, और मैंने थोड़ा सा फूड कलर भी ऐड किया है, तो इससे थोड़ा सा कलर का टेक्सचर बहुत अच्छा आता है देखने में। ओके, ठीक है, इसको डीप फ्राई किया है मैंने, डीप फ्राई करा है। ओके, नाइस। सो अब शुरू करते हैं, इसको लास्ट का बचा रह गया जो भी करना है, तो आप ये करेंगे, मैं आपको दिखाती जाती हूँ। अब मैं इसमें थोड़ा सा, ये सबसे अच्छा जो फ्लेवर आता है इसमें, ये जिंजर गार्लिक से स्टार्ट करते हैं हम। ओके, टीस्पून, फुल टीस्पून आप हम लेंगे जिंजर गार्लिक, मतलब अदरक और लहसुन, हाँ, फाइनली चॉप्ड। ओके, ठीक है, इसको हम लेंगे और इसको फुल्ली ब्राउन नहीं होने देंगे, हल्का सा सॉटे करेंगे। ओके, ठीक है, साथ ही हम इसमें डालते जाएंगे अपने ये अनियंस। ओके, जो हमारी वेजीज हैं इनको हमें फुल्ली फ्राई नहीं करना है, फुल्ली फ्राई नहीं करना है इनको, बस हल्का सा हमें ऑयल में सॉटे करना है, और ऑयल भी मैं बहुत कम यूज करती हूँ, जैसे कि सब, मतलब आप बहुत ज्यादा हेल्थ कॉन्शियस हैं, बच्चे भी खाते हैं माशाल्लाह हमारे, तो फिर थोड़ा सा ध्यान रखना। जब से रायद ने सुना है बन रहा है चिली चिकन, उनको शाम से भूख लग गई है कि मम्मा भूख लग रही है, भूख लग रही है। यहाँ पे हम गैस अपना थोड़ा सा स्लो कर लेंगे, थोड़ा सा जब अनियन सॉटे हो जाएगा तो चिलीज हम यहाँ पे डाल देंगे, क्योंकि उससे ना क्या होता है कि चिली का जो फ्लेवर है ऑयल में डायरेक्टली डालने से थोड़ा ज्यादा खुल के आ जाता है। ओके, क्योंकि हमें चिली यहाँ पे कम नहीं हुई है, इसलिए हम ऑयल में साथ में ही डाल देंगे ताकि फ्लेवर खुल के आ जाए। तो सारी देख रहे होंगे कि मैं ये स्पून यूज कर रही हूँ, तो मैं अपने हेल्पर को थोड़ा सा और खुद को आराम देने के लिए मैं ज्यादा बर्तन गंदे नहीं करती। आई नो, आप तो मैडम बहुत ज्यादा सबके लिए सोचती हैं, तो ये सारी वेजीज पड़ गई हैं ऑलमोस्ट, तो सबको सॉटे कर लेंगे। ओके, मैंने स्प्रिंग अनियन बचा लिए, मैं ये ऊपर से गार्निश करने के लिए। तो ये साथ में आप सॉट नहीं करोगे? नहीं नहीं, मैं इनको ऊपर से गार्निश करूंगी। ठीक है, चलो मास्टर सर, हम यहाँ पे सॉल्ट अभी नहीं ऐड करेंगे। अच्छी स्मेल आ रही है, से क्या होता है कि ये जो हमारी वेजीज है ना, ये सॉफ्ट होने लगती है, क्रंच खत्म हो जाता है। ओके, इसी बहाने मुझे भी खाना बनाना आ रहा है गाइस, आता है वैसे तो मुझको, बट इतना ठीक है, सीख ही लेती हूँ, कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें पता चल रही हैं। ओके, इतना सारा जी, इतना सारा चिकन भी तो गए माशाल्लाह। मैं थोड़ा सा स्पाइसी रखिएगा, आई लव स्पाइसी। और थोड़ा सा सोया सॉस अ बिट। ओके, हम इसको चलाते जाएंगे जिससे कि ज़्यादा भी इतना हो जाए। साथ ही थोड़ा सा वेनेगर ऐड करेंगे, वाइट वेनेगर। वाइट वेनेगर मोस्टली इस तरह से खाने में जो है व्हाइट वेनेगर भी यूज, हाँ, चाइनीज खानों में। और यहाँ पे हम चिली सॉस भी थोड़ा सा ऐड करेंगे। ये चावल रेडी हो चुके हैं, अभी इनको भी फ्राई करना है। ये चिली सॉस चल गया है, नाइस। यम्मी गाइस, एक्सक्यूज़ फॉर माय वॉइस, मैं 2-3 दिन से बीमार हूँ, मेरा गला बैठा हुआ है, तो अगर आप लोग को डर लग रहा हो फिर भी मेरी वीडियो देखिए एंड को। मैं इसमें चिली फ्लेक्स डालती हूँ। ओके, ठीक है, मैंने पैकेट्स ले रखे हैं, वो इजी रहता है, क्योंकि अब वेदर ऐसा है कि बहुत जल्दी चीज़ें ख़राब होने लगती हैं, आप ज़्यादा क्वान्टिटी में ले लेते हैं अगर। ओके, नहीं नहीं, हम लोगों को तो फ्री मिलता है, वो भी रख लेते हैं, हम लोग का आता है डोमिनोज वगैरह से। झूठ क्यों बोल रही हो? ये तो डोमिनोज वाला है, नहीं नहीं, ओवन वाला है। चलिए चलिए, साथ ही उनका भी होता जा रहा है, इंटरचेंजमेंट भी करते चलते हैं हम लोग। मैंने इसमें ओरिगैनो डाला है, ओरिगैनो, ओके, इसको थोड़ा सा चाइनीज टच देने के लिए। ओरिगैनो, आई डोंट लाइक ओरिगैनो, ठीक है। अजीनो मोटो हम इसमें डालेंगे, बट
पिंच, क्योंकि मैंने सुना है नुकसान करता है, इट्स नॉट गुड फॉर हेल्थ। ऐसा तो कुछ भी गुड फॉर हेल्थ नहीं है, लेकिन क्या ही कर सकते हैं, टेस्ट तो चाहिए ना। पिंच ऑफ अजीनोमोटो हम ऐड करेंगे, ठीक है। इससे चाइनीज फ्लेवर बहुत अच्छे से खुल के आता है। नाइस। अब हम इसको सॉटे करते जाएंगे। शॉट ऑफ रायत, रायत को कुछ ज़्यादा ही भूख लग गई है एक्चुअली में। वो जब भी मासी के हाथ का सुनते हैं चिली चिकन, तो उन्हें शाम से एकदम पागल हो जाते हैं। एंड आप देख सकते हैं, वाओ माशाल्लाह, इसके मुंह में पानी आ रहा हो, वाह। एंड इसमें सॉल्ट पड़ गया, अब ऐड करेंगे क्योंकि वेजीज एक तो क्रंच नहीं okay. प्लस सॉल्ट हम इतना कम लेंगे क्योंकि हमने चिकन में भी ऐड किया हुआ है okay. और जो हमारे सॉसेज होते हैं उसमें भी कहीं ना कहीं थोड़ा सॉल्ट हाँ, वो रहता है, उसके लिए हम यहाँ पे कम ऐड करेंगे। बाकी आपको कम ज्यादा जो भी होगा इसमें, ये है यहाँ पे आपको मैथ्स लगानी है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है, खानों में भी बहुत दिमाग लगता है, तो थोड़ा सा एडिशन सब्ट्रैक्शन सब यूज लगानी पड़ेगी आपको। हाँ जी भाई, गणित यूज कीजिए। ठीक है, परफेक्ट चाहिए तो आपको ऐसे बनेगा, परफेक्ट। अब हम एक बाउल लेकर के, ठीक है, जब तक ये सॉटे हो रहा है okay. इसमें हम कॉर्न स्टार्च ले लेंगे इसकी ग्रेवी को बनाने के लिए। अगर आपको ड्राई बनाना है तो आप इसमें ही चिकन ऐड करके मिक्स कर लेंगे, ठीक है ओके। और क्योंकि मुझे थोड़ा सा ग्रेवी रखनी है, ठीक है, तो हम कॉर्न स्टार्च लेंगे और उसमें वाटर ऐड करेंगे जितना भी। यस गाइस, प्लीज आप लोग को ये बहुत ध्यान रखना है कि आपको इसको बिना मिक्स करे नहीं डालना है, वरना सब खराब हो जाना है मामला। जो स्लरी मैं बना रही हूँ इसमें आपको क्वांटिटी का बहुत ध्यान रखना है, ठीक है, जो उसकी स्लरी बन रही है इसमें आपको क्या करना है। एंड बच्चे आपस में लड़ रहे हैं, ठीक है ओके, ये डल जाएगा। हाँ, मुझे लगता है इसमें मुझे थोड़ा और ऐड करना पड़ेगा काम है। हाँ, बहुत ज्यादा थिक नहीं चाहिए मुझे वैसे भी। आप कॉर्न स्टार्च अपने अकॉर्डिंग ले लीजिए, जितनी भी आपको थिक और वैसी रखनी है ऐसे ले लेंगे आप। ओह यम्मी, ये बा आ गई हैं, इनका दिल नहीं लग रहा है। जी बेटा, बताइए बा क्या कहना चाहती हैं आप, क्या चाहिए? गुस्सा होके चली गई ऐड के। ये वाली ड्राई है, इफ यू वांट टू ईट ड्राई, तो ये ड्राई है, प्लस एबा खाना बनाने नहीं देती है, तो अब ये ड्राई है। अभी आप इसमें वो डाल देंगे तो ग्रेवी हो जाएगी। देखिए आप इसमें ऐसे ड्राई भी खा सकते हैं, और बहुत से लोग क्या करते हैं कि आप ग्रेवी बनाने के बाद चिकन ऐड करते हैं ओके, और बाद में भी ऐड कर सकते हैं, क्योंकि मुझे इतना अंदाजा हो चुका है माशाल्लाह, तो मैं बाद में भी स्लरी ऐड कर देती हूँ। बच्चों को कभी कभी ड्राई भी खाना होता है, ठीक है ओके, बिस्मिल्लाह। तो इस तरह से आप ये स्लरी काइंडली यूज बिस्मिल्लाह इन एवरी डिशेस, ठीक है, मतलब डिश के स्टार्ट होने से पहले आप बिस्मिल्लाह कर लें, कुछ भी कर रहे हो उसमें पहले बिस्मिल्लाह पढ़ लें, तो आपकी चीज़ों में बरकत रहती है, प्लस वो अच्छी बनती है, तो थोड़ा सा इस्लामिक वे में भी आप, ठीक है, आप इस तरह से इसको मिक्स करने के बाद ना आप इसको ढक देंगे ओके, और फ्लेम थोड़ी सी लो कर देंगे, क्योंकि ये इंस्टेंट तो ये गाढ़ी नहीं होती, थोड़ी देर बाद ये गाढ़ा होना शुरू हो जाती है ओके, तो आप इसकी थिकनेस चेक कर लेंगे एंड इट्स ऑल रेडी। और जब इंशाल्लाह ये रेडी हो जाएगी तो हम स्प्रिंग अनियन इस पे स्प्रिंकल कर लेंगे ओके। चलो मैं अभी बनने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ। सो हमारा फ्राइड राइस रेडी हो चुका है माशाल्लाह, बहुत यमी यमी चिली चिकन भी रेडी हो चुका है। ओह माय गॉड, मुंह में पानी आया सबके माशाल्लाह। किसी ने पेट में दर्द करी तो अच्छी बात नहीं होगी। एन 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 दिस इज रखोचे, तो ये अगर किसी को पता नहीं होगा, ये दाल से बनी हुई एक डिश होती है रखोचे, ये पुराने लोग ज़्यादातर बनाते थे, तो ये हमारी फूफी ने बना के भेजा है हमारे लिए, तो दिस इज़ सो यमी। वेल मैं नहीं खाती हूँ, सीरियसली नहीं खाती हूँ मैं, पर हाँ मेरे घर में और सबको बहुत पसंद है, रखोचे इसका नाम है। आई डोंट नो और सब क्या बोलते हैं, बट कमेंट में बताइए इसका क्या नाम होता है रखोचे। रुखसापी ने पीछे से बोला हुआ है माश की दाल की बनते हैं ओके। एंड ये हमारी नमी, एंड दिस इज फ्राइड राइस, ये देखिए माशाल्लाह। अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो हाँ हाँ अल्लू अल्लू बहुत तेज भूखी हैं ये, तो अगर आपको
अगर आप लोगों को हमारा चैनल अच्छा लगता है तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए।